मुकेश जी, वापस से विधायक दल की बैठक की बात सचिन पायलट ने कही है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ जो अपनी बात को रखने आया हूँ वो ये है कि 19 जिले नए राजस्थान में बने और लोगों में खुशी है। नागौर से भी एक अलग जिला होकर, क्योंकि बहुत बड़ा जिला था और डीडवाना कुचामन जिला बना है, तो लोगों में खुशी है। उस बात को मैं जनता की जो भावनाएं थी उनकी ओर से स्वागत सरकार का करता हूँ। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से भी अपनी संपूर्ण जो चीजें उनको पूरा करते थे उसके बावजूद भी वो जिले नहीं बन पाए, जैसे लाड़नू से लगता हुआ सुजानगढ़ जिला है। और मैं सब मीडिया के सामने और जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि जब मनोज जी मेघवाल मुझे मिले विधानसभा में, उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ को जिले की, तो मैंने उनको कहा कि अगर नागौर में जिला बनता तो मैंने डीडवाना की मांग की है, लेकिन चूरू में अगर नया जिला सरकार बनाती है तो सुजानगढ़ को जिला बनाना चाहिए। तो ये मांग मैंने उनके सामने भी कही और मैंने कहा जहां भी आपको लिख कर ये देना है, जिससे भी बोलना आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन जब 19 जिले बन गए, कई जिले तो इस तरह से बने हैं कि 40-50 किलोमीटर की दूरी पे, 30 किलोमीटर की दूरी पे नए जिलों का निर्माण हुआ है, लेकिन जिस तरह से सुजानगढ़ की जनता में रोष है और चूरू से बहुत दूर सुजानगढ़ है और आसपास की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि अगर 50 जिले बने थे तो 51 बन सकते थे और 51 तो हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। तो सुजानगढ़ के साथ नाइंसाफी हुई है, उस पर सरकार को, सभी जो वहां के जनप्रतिनिधि है, जो वहां की जनता है, उनका भरोसा कायम रखने के लिए पिछले जब से जिलों की घोषणा हुई है संपूर्ण सुजानगढ़ बंद है, हाईवे बंद है, लोगों में असंतोष है, उसको पूरा करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए और चूरू से अलग जिला हटकर सुजानगढ़ एक भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर तरीके से वो जिला बनने की अपनी सारी जो चीजें उनको पूरा करता है, तो सुजानगढ़ को अलग से जिला बनाना चाहिए। ये मांग मैं सरकार से इस आज विधानसभा के सामने सबके सामने रखता हूँ। क्या लगता है सरकार पूरा करेगी? करना चाहिए। जिस तरीके से 30-30, 40-40 किलोमीटर पे जिले बने हैं और काफी जिले ठीक भी बने, कुछ राजनीतिक दृष्टि से भी बने, लेकिन सुजानगढ़ का जो पैमाना है वो पूर्ण तरीके से, संपूर्ण रूप से वो पूरा करता है। सुजानगढ़ को जिला बनाना चाहिए, ये मांग मैं रखता हूँ। सचिन पायलट ने वापस से विधायक दल की बैठक की मांग उठाई। आज प्रताप सिंह खाचरियावास भी ये कहे कि सचिन पायलट गलत नहीं कह रहे, वो सही कह रहे हैं, बैठक होनी चाहिए। देखिए, जब एक ही पार्टी में दो तरह का व्यवहार होने लग जाएगा तो जनता में मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। हम लोगों ने बगावत की, उसका खामियाजा हमने भुगता, सबने अपने पद गमाए, मैंने अपना यूथ कांग्रेस का पद गमाया, पायलट साहब पीसीसी से हटे और सब तरीके की कार्रवाई हुई। और हमने कभी भी उस समय का पूरा एपिसोड आप देख सकते हो कि गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को हमने कभी भी चैलेंज नहीं किया। लेकिन जो 25 तारीख की घटना हुई वो इस कांग्रेस के इतिहास में शर्मसार करने वाली घटना है। कुछ लोगों ने बैला पुसला कर एक जगह लोगों को, एमएलएज को इकट्ठा किया कि हम इकट्ठे होकर सीएम हाउस जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए, और फिर उनको स्पीकर के घर ले जाया जाता और इस्तीफे, जिस तरह से स्पीकर साहब ने कोर्ट में अपना बयान रखा है कि इच्छा से नहीं दिए गए, तो ये किन लोगों ने दिए? कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर पार्टी के हाईकमान का हमें लोगों में जिंदा रखना है भरोसा, तो कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और पायलट साहब ने, प्रताप सिंह जी ने, यहाँ की आप राजस्थान की जनता में पूछने जाओगे तो वो ये कहेंगे कि कांग्रेस कौन है, गांधी परिवार, खड़गे जी आला कमान है या कोई दूसरे पावर सेंटर बन गए? तो जिन लोगों ने ये अनुशासनहीनता करी है और जिन लोगों ने राजस्थान की कांग्रेस को, राजस्थान के हाईकमान को नीचा दिखाया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोबारा सीएलपी बुलानी चाहिए, क्योंकि हमें 6-8 महीने बाद जाना है वापस चुनाव में। और सिर्फ हम प्रशासनिक दृष्टि से, बजट 2013 का भी बहुत अच्छा था लेकिन रिजल्ट्स क्या है, हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है, किनको, अगर सबको एक साथ लेकर चलने की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं तो कोई प्रिय और अति प्रिय नहीं हो सकता। उन लोगों पे, जिन लोगों ने ये काम यहाँ किया है, जिन लोगों पे सरकार ने अनुशासन, हमारी पार्टी ने अनुशासनहीनता की दृष्टि में जिनको रखा, अभी तक उन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। रंधावा जी ने एक दिन पहले यह बयान दिया कि हमने महेश जोशी जी पे इसलिए कार्रवाई की है कि वो उस 25 तारीख की घटना में शामिल थे, और दूसरे दिन इस तरीके का बयान आता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए, आम जनता के लिए ऐसे मैसेज अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को एक कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, जो पायलट साहब पे कार्रवाई हो सकती है जिनका जनाधार इस राजस्थान में है, और पिछले 5 साल में जिस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी और पैदल चलकर जनता के बीच जाकर सरकार को लाने का काम किया, उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाती है, और दूसरी तरफ एक सौतेला व्यवहार होता है वो कहीं भी पार्टी में और जनता के लिए अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ
बजट के भरोसे सरकार वापसी नहीं करेगी, ये सब करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अकेले बजट के भरोसे सरकार वापसी नहीं करेगी, जब तक तालमेल नहीं बैठेगा, जिन लोगों का जनाधार है उन लोगों को जिम्मेदारियां नहीं मिलेगी जब तक सरकार अकेले बजट के भरोसे नहीं आएगी। तो बजट और जिले ज्यादा महत्वपूर्ण, बजट और जिले महत्वपूर्ण है, लोगों की मांग थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अकेले बजट और जिलों से सरकार नहीं आने वाली जब तक तालमेल आपस में नहीं बैठेगा, जिन लोगों का जनाधार है उन लोगों को भरोसे में लेकर पार्टी में जिम्मेदारियां देकर उनको साथ नहीं लिया जाएगा। जब तक मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से जो हम लोगों को भरोसा है वो रिजल्ट के दिन वो हम खरा नहीं उतर पाएंगे।